बुलेटिन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और बिजनौर में जनसभा को संबोधित करते हुए आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने इशारों ही इशारों में जयंत चौधरी पर निशाना साध दिया। जयंत चौधरी का बिना नाम लिए चंद्रशेखर ने कहा कि कल तक जो साथ थे आज देख लो किसके साथ हैं। चंद्रशेखर ने विपक्षी गठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताते हुए कहा कि बीजेपी को हराने के लिए वो कल भी साथ थे और आज भी साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। मुझे मौका देकर देखो, भीम आर्मी प्रमुख ने कहा कि वो हर हाल में नगीना सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। साथ थे आज कौन से दल के साथ हैं? ठीक है, तो अकेला चंद्रशेखर तब भी खड़ा था और आज भी खड़ा है। और आप अगर नई गवाही ले सकते आप मुझे फोन पर जाते हो तो खतौली पूछना किसने जिता के दी, आप पूछ के देखना बताना खतौली किसने जिता के दी। समाजवादी और एलडी बीएसपी गठबंधन था 2019 में, चौधरी अजीत सिंह लड़े थे, नहीं जीत पाए खतौली, आप क्या करवा लेना 30,000 से हारे में। 2017 में हारे, 2022 में हारे और मैंने वादा कि आगे अगर जिता के ना दिखाऊं तब बताना मेरे लोगों में मेरी बात का इतना असर है, क्योंकि वो मेरे जैसे छिटे पिटे गरीब लोग हैं, वो मेरी बात का भरोसा करते हैं। मुझे मौका देके देखो, लेकिन क्यों ये गरीब का बेटा हरा रहा है इसलिए डरे? तुम कौन हो रोकने वाले? अगर तुम रोकने वाले होते तो मुझे पैदा भी नहीं होने थे। तुम्हारा दिमाग खराब है। चंद्रशेखर आज अपने दम पे है, अपने लोगों के दम पे है, इनकी मोहब्बत से है और जहां भी जाए है। अमरोहा में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक में टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार युवक युवती की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद पिकअप भी पलट गया। बताया जा रहा है कि महाशिवरात्रि के चलते नेशनल हाईवे पर वन वे ट्रैफिक किया गया था। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डिडौली थाना क्षेत्र में यह दर्दनाक हादसा हुआ। और आगरा मेट्रो में सफर करने के लिए सभी खुश दिखाई दे रहे हैं। बच्चे हो या फिर बड़े, सभी जल्द से जल्द मेट्रो के सफर का आनंद लेना चाह रहे हैं। एक दिन में लगभग 21,000 लोगों ने मेट्रो का सफर किया। अब मेट्रो में सफर कर रहे बच्चों का वीडियो सामने आया है। बच्चे आगरा मेट्रो के अंदर मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं, साथ ही साथ मेट्रो ट्रेन में बच्चे ग्रिल से लटक रहे हैं। या रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।